हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल हैंड वैक्सिंग विद आर्मपिट वैक्सिंग। जो प्रोडक्ट यूज़ किया है मैंने आपको दिखा रही हूँ। मैंने लिया है रीका का प्री वैक्सिंग जेल, आफ्टर वैक्सिंग लोशन, वैक्सिंग स्लिप भी मैंने रीका ब्रांड की यूज़ की है। एप्लीकेशन के लिए मैंने वुडन का स्पैचुला यूज़ किया है। सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। वैक्स मैंने ली है एलोवेरा वैक्स रीका ब्रांड की, जो कि काफ़ी अच्छी वैक्स है। और इस वैक्स पर मेंशन किया गया है स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव स्किन वाला क्लाइंट आ रहा है तो आप रीका ब्रांड में दो तीन ऐसी वैक्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। आप रीका में एलोवेरा वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। रीका में ग्रीन एप्पल वैक्स यूज़ होती है, वह भी काफ़ी अच्छी है। उस पर भी मेंशन किया गया है कि वह स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल स्किन वाला क्लाइंट आ रहा है तो आप कोई भी रीका ब्रांड की वैक्स यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप सेंसिटिव स्किन पर वर्क कर रहे हैं तो आपने वही प्रोडक्ट यूज़ करना है जो उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्किन वाला यूज़ कर देंगे ना, तो कई बार क्या होता है, सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन पील हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि सेंसिटिव स्किन पर आपने हमेशा सेंसिटिव स्किन वाली ही वैक्स यूज़ करनी है, ताकि रिजल्ट भी प्रॉपर आए, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम भी ना आए और क्लाइंट आपके पास रिपीट आए। सबसे पहले मैं स्किन को क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है रीका का प्री वैक्सिंग जेल। गाइस, जब आप रीका ब्रांड की वैक्स यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले स्किन को क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, क्लाइंट की स्किन में जो भी मॉइस्चर वगैरह होता है वह कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद आपने स्किन को ड्राई कर लेना है। अगर आपको लगे मॉइस्चर है तो टैल्कम पाउडर लगा लें, अदरवाइज आपने वैक्स की एप्लीकेशन करनी है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। मोस्टली यहाँ के जो हेयर की डायरेक्शन होती है ना, सभी की थोड़ी सी ऊपर की साइड होती है, इतने पोर्शन में जितनी आपको दिखाई गई है। तो आप पहले चेक करें, अगर आपके क्लाइंट की भी इसी तरीके से है ना, तो आपने वैक्स की एप्लीकेशन थोड़ी अपोजिट करनी है, यानी कि ऊपर की साइड करनी है, और वैक्सिंग स्ट्रिप को नीचे की साइड पुल करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से हेयर रिमूव हो जाएँ। और गाइज, वुडन के स्पैचुला से काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। जब हम वुडन का स्पैचुला यूज़ करते हैं ना, हमारी स्किन पर वह ज़्यादा गर्म नहीं लगता, और वैक्स की एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। और इस स्पैचुला को यूज़ करने का एक बेनिफिट यह भी होता है कि आपको यूज़ करने के बाद इसे आपने थ्रो कर देना, इसे क्लीन करने का झंझट नहीं रहता। इससे पहले मैं दूसरा वैक्सिंग नाइफ यूज़ करती थी, जिसे स्टील का वैक्सिंग नाइफ कहते हैं ना, वह यूज़ करती थी। और अब मैं मोस्टली वुडन का स्पैचुला यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है। और कई बार क्या होता है, किसी की स्किन पर वैक्स ज़्यादा प्रेशर से चलानी पड़ती है ना, तो उसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि आपने उसका यूज़ करना है, इसी का यूज़ करना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप वुडन का स्पैचुला यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, पर स्टील के स्पैचुला से भी इजीली वैक्स हो जाती है। वैक्स की एप्लीकेशन हमेशा हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से करनी है। बाजू का ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ जो हेयर होते हैं बिछे हुए होते हैं, थोड़े तिरछे होते हैं, तो वैक्स की एप्लीकेशन भी आप उसी तरीके से करेंगे जैसे हेयर डायरेक्शन है। उसके बाद वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है, एंड स्किन को होल्ड करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके हेयर तो रिमूव हो रहे हैं, स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो रही है, क्योंकि इन्होंने हल्दी वगैरह लगा रखी है अपने हाथों में। तो ऐसे में स्किन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पीलापन दिखाई देता है, और वैक्सिंग करने के बाद पीलापन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितनी भी टैनिंग है, हल्दी है, स्किन में जो भी डस्ट, गंदगी, धूल, मिट्टी जमी हुई है, वह वैक्स के साथ रिमूव हो रही है। रीका वैक्स क्यों यूज़ करते हैं? रीका वैक्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब हम रीका वैक्स यूज़ करवाते हैं तो सबसे बड़ी बात कि हेयर जो होते हैं अंडर रूट तक रिमूव हो जाते हैं। हेयर ग्रोथ जो आती है काफ़ी लेट आती है, यानी अगर आपने वैक्स करवाई है ना, 10 या 15 डेज बाद तो आपके हेयर आने स्टार्ट होते हैं, अगर आपकी नेचुरल हेयर ग्रोथ है। अगर किसी की ओवर हेयर ग्रोथ है ना, बहुत लंबे लंबे बाल आते ही हैं, काफ़ी हैवी ग्रोथ है, तो उनको 10 डेज में या 7 डेज में हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि कई बार मेरे चैनल पर कमेंट आता है कि मैम, मैंने रीका वैक्स यूज़ करी थी तो हेयर ग्रोथ आ गई। तो आप रीका वैक्स को कोई जादू मत समझो, ये मत सोचो कि रीका वैक्स यूज़ की है तो हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। मैंने कई बार बताया है कि रीका वैक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलर, अगर आप मान लो साल में 6 बार रीका वैक्स करवा चुके हैं 2-2 महीने के गैप में, तब आपको रीका वैक्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपकी बहुत हैवी ग्रोथ है, आपकी शादी है, आप ऐसे में प्री ब्राइडल करवाना चाहते हैं, तो आप रीका वैक्स की साइड ही जाएं, क्योंकि इस वैक्स का यूज़ करवाने से आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी लेट आएगी,
और जो हेयर आएंगे ज़्यादा नहीं होंगे। कई बार कई लोगों को डर लगता है कि मैं वैक्स करवा लूँ मेरी हेयर ग्रोथ बढ़ तो नहीं जाएगी। जैसे ये मेरी क्लाइंट है, इनको यही डाउट था कि मेरी हेयर ग्रोथ बढ़ तो नहीं जाएगी। अगर आपको भी लगता है ना कि मेरी हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाल है, तो ऐसे में आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। आपने अपना बजट बनाकर रीका वैक्स ही करवा लेना, क्योंकि रीका वैक्स को यूज़ करवाने के बाद आपके एक दो महीने बहुत ईजिली निकल जाएंगे, हेयर ग्रोथ का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। वैक्सिंग करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रीका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स स्किन में लगी होती है उसे रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसी से आपने क्लाइंट की स्किन पर बहुत अच्छे तरीके से मसाज दे देनी है। और गाइज, अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग लोशन नहीं है रीका ब्रांड का, तो आप कोकोनट ऑयल से भी इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्मपिट वैक्सिंग का प्रोसीजर। तो देखिए, ग्रोथ इनकी काफ़ी है और सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन वाले ही मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ किया है रीका का प्री वैक्सिंग जेल, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। कई बार कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जिन्हें विंटर सीजन में भी काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग आ रखती है। ये जो मेरी क्लाइंट है, इनको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग आ रखी थी कि मैं जब एसी भी ऑन कर रही थी तब भी इनको हाथ लगाते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे स्किन वेट है। तो ये बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। तो ऐसे में अगर आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं रीका का प्री वैक्सिंग जेल यूज़ करती हूँ, चाहे किसी की स्किन में स्वेटिंग हो या ना हो, अच्छे से प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ करें। प्री वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से क्या होता है, क्लाइंट की स्किन का मॉइस्चर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, वह प्लेस ड्राई हो जाता है, क्लीन हो जाता है। क्योंकि प्री वैक्सिंग जेल ना सैनिटाइज का भी काम करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अल्कोहल की मात्रा भी है ना, जिससे स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी आ जाती है, और स्किन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाती है, क्योंकि इस पर लिखा भी हुआ है सैनिटाइज बेस्ड। तो ऐसे में इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लिया था टिश्यू पेपर, क्योंकि स्किन पर मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ज़्यादा स्वेटिंग थी। उसके बाद मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर से स्किन को ड्राई किया। अब मेरी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, तो ऐसे में इतने लंबे लंबे बालों पर मैं डायरेक्ट वैक्स की एप्लीकेशन नहीं करूँगी। वैसे करूँगी तो हेयर ग्रोथ निकल तो जाएगी, पर क्लाइंट को पेन ज़्यादा होगा, और सेंसिटिव स्किन वाले क्लाइंट पर हम रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए मैंने सीजर का यूज़ किया है। जितने एक्स्ट्रा हेयर ज़्यादा बड़े बड़े दिख रहे थे, मैंने उन्हें कट कर दिया है। ज़्यादा कट ना करें, कई बार क्या होता है कई लोग बहुत छोटा छोटा हेयर्स कर देते हैं कट करके, तो ऐसे में वह रूट्स टाइप में बन जाते हैं, और वह रीका वैक्स क्या किसी भी वैक्स से रिमूव नहीं होंगे। तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कि हेयर ग्रोथ आपके क्लाइंट की ज़्यादा नहीं कट करनी, नॉर्मल ही कट करनी है। उसके बाद मैंने वैक्स की एप्लीकेशन की थी हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। वैक्स मैं यूज़ कर रही हूँ रीका ब्रांड की, वही एलोवेरा वैक्स जो मैंने हैंड वैक्सिंग के लिए यूज़ की है। और गाइज, अगर आप ऐसी स्किन पर वैक्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपने स्किन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड भी कर लेना है, और वैक्स की एप्लीकेशन से पहले आपने चेक भी करना है कि क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर ना हो। देखिए, मैं इनकी स्किन को बार बार क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि स्किन में मॉइस्चर है। आप टच करके देखें, अगर आपको लग रहा है ना मॉइस्चर है, तो आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा लें, जैसा कि मैंने किया है। मैंने थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगा लिया है, ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल कंट्रोल में आ जाए। एसी ऑन है, फिर भी किसी को स्वेटिंग आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आप साथ के साथ चेक करते रहें, क्योंकि अगर आप स्वेटिंग वाली स्किन पर वैक्स करेंगे ना, तो कोई भी वैक्स हो, चाहे रीका वैक्स हो चाहे हनी वैक्स हो, वह मेल्ट हो जाएगी और हेयर रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपने ध्यान देना है कि आप स्किन को अच्छे से ड्राई करें। अब मैं वैक्स की एप्लीकेशन कर रही हूँ हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से, और इतने लंबे लंबे हेयर हैं, तो आपने ध्यान देना है कि वैक्स आप ज्यादा कम नहीं लगाएंगे। वैक्स की एप्लीकेशन आपने थोड़ी सी थिक रखनी है, ताकि प्रॉपर तरीके से हेयर कवर हो जाए, और आपने स्किन को अच्छे से होल्ड भी कर लेना है। उसके बाद मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई है, रब किया है, हल्का सा रब किया है, ज्यादा रब करने की नीड नहीं, क्योंकि बाल बड़े तो हैं पर ज्यादा मोटे नहीं है। उसके बाद क्लाइंट को स्किन होल्ड करने के लिए बोला है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर दिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके वन टाइम में ही सारे के सारे हेयर रिमूव हो गए हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सारी बातों को ध्यान में हुए ही वैक्स की गई है, और हेयर डायरेक्शन भी इनकी वन साइड थी, तो इजिली सारे के सारे हेयर रिमूव हो गए हैं। प्रॉपर तरीके से वैक्सिंग हो जाने के बाद मैंने यूज किया था रीका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। और गाइस, इनको पेन तो होगा ही जब इतने लंबे हेयर रिमूव होंगे,
तो ऐसे में आपने यानी बोलना कि पेन नहीं होगा, हल्का फुल्का ब्लड आ भी जाता है क्योंकि ये जो मोस्टली मेरी क्लाइंट है रेजर यूज करती हैं। तो ऐसे में जो लोग मोस्टली वैक्सिंग करवाते रहते हैं तो उनके हेयर की रूट्स मजबूत नहीं होती, इजिली हेयर रिमूव हो जाते हैं, ब्लड वगैरह नहीं आता। बट जो हेयर रिमूवल क्रीम का यूज करते हैं, रेजर का यूज करते हैं, तो ऐसे में उनके हेयर्स की जो रूट्स है ना हार्ड हो जाती है। और कभी कभी वैक्स करवाते हैं तो ब्लड आना स्वाभाविक है। अच्छे से मैंने यूज किया है आफ्टर वैक्सिंग लोशन का, और उसके बाद मैंने कॉटन का यूज करके उससे मसाज दे दी है। अगर आपके क्लाइंट को ब्लड आ गया है तो आपने ध्यान देना है कि आप हाथ का यूज ना करें, आपने अच्छे से कॉटन का ही यूज करना है। इससे क्या होगा, हमारे क्लाइंट की